Hi everyone, today is the fifth day of our mock test paper for UGC NTA NET 2019. आज आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है, आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, हमारे पास एक मंथ से भी अब कम का टाइम रह गया है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अवर टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम 5 मॉक टेस्ट क्वेश्चन लेंगे कम्युनिकेशन से विद फुल एक्सप्लेनेशन. And again, I'm telling you, if you want more mock test papers, if you want more quiz, you can always join to our Telegram groups and our WhatsApp groups, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. So let's start the mock test quiz. So we are starting the mock test paper for communication. So let's start with the first question. So question one is, what is predetermined in effective communication? Effective communication में predetermined क्या है? तो पहला हमारा क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन में आया है, दैट इज़ वेरी बेसिक, कि कम्युनिकेशन में पहले से क्या हम मान के चलते हैं, व्हाट इज़ प्री डिटरमाइंड इन कम्युनिकेशन. तो इसके अगर आप ऑप्शंस देखें, इफ़ यू सी द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट इज सब्जेक्टिविटी, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज स्ट्रिक्ट बिहेवियर एंड फोर्थ इज पैसिविटी. तो पहले हम जान लें इनके मीनिंग्स क्या क्या हैं. सो सब्जेक्टिविटी मीन्स बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स, कुछ चीज़ें जो हमारे पर्सनल फीलिंग्स के, हमारे पर्सनल बिलीव्स के अकॉर्डिंग होती हैं, अगर हम वैसे सोचें. सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है? एबिलिटी टू कंसर्न, टू थिंक, सोचना, एक लॉजिकली सोचना, एक चीज़ को समझने की कोशिश करना पहले से कि इसका क्या हो सकता है, इस टॉपिक का मीनिंग, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होगा, उसको थोड़ा सोचना, उसमें थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगाना. सी इज स्ट्रिक्ट बिहेवियर, दैट इज रूडली बात करना या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना, हम मान के चल रहे हैं ऐसी चीज़ें. फोर्थ इज पैसिविटी, एक्सेप्ट करना जो भी हो रहा है, उस कुछ आर्ग्यू ना करना, जो जैसी चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कर लेना, ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करना बेसिकली. सो अगर हम ये चारों ऑप्शंस देखें तो इनमें से प्री डिटरमाइंड जो ज़्यादा एप्लीकेबल हो रहा है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हमें अपना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना है, उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी लग रही है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज सब्जेक्टिविटी, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, पैसिविटी, ये चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्री डिटरमाइंड थिंग्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है एक अंडरस्टैंडिंग होना. सो हमारा सही आंसर जो जाता है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग. एंड वाई अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, वी कैन नॉट लर्न समथिंग, वी कैन नॉट मेक अवर कम्युनिकेशन लर्निंग. हम कम्युनिकेशन को ढंग से नहीं कर सकते, उसको हम इफेक्टिव नहीं बना सकते. सो द फर्स्ट आंसर इज अंडरस्टैंडिंग. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया जाए कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का ऑर्डर क्या है. सो इफ यू सी द ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन, पहले हमेशा जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं या फिर हमें कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है. हमेशा पहले हम कुछ बोलेंगे, वी विल से समथिंग, तो वी आर द कम्युनिकेटर, वी आर द सेंडर. तो हमेशा देखिए, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. विदाउट कम्युनिकेशन मैसेज कहाँ से आएगा? विदाउट अ सेंडर, विदाउट अ कम्युनिकेटर, पहले हमेशा कम्युनिकेटर ही आएगा. इट इज़ अ मोस्ट बेसिक थिंग. जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैसेज या फिर मीडियम पहले आ ही नहीं सकता, उससे पहले सेंडर आएगा, हु इज सेंडिंग दैट मैसेज. सो ऑलवेज रिमेंबर, आपके आंसर इन दोनों में से ही एक होंगे. क्यों? बिकॉज पहले कम्युनिकेटर ही आएगा. विदाउट कम्युनिकेटर देर कांट बी अ मैसेज, विदाउट अ सेंडर देर कांट बी अ मैसेज. सो द आंसर शुड बी, लेट सी, इसमें है कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट. फिर है कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, मैसेज, इफेक्ट. अब देखिए, यहाँ पर ये जो एक गलती है इनकी, रिसीवर पहले आ गया है, मैसेज बाद में आ गया है, सेंडर के बाद ही रिसीवर आ गया है, फिर मैसेज आ रहा है. तो मैसेज तो बीच में आना चाहिए जो रिसीवर रिसीव करेगा. सो दिस, यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये गलत है. और सही जो पार्ट है, दैट इज़ द ए ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज पहले कम्युनिकेटर, दैट इज सेंडर, फिर मैसेज आया है, फिर मीडियम जिसके थ्रू वो जाएगा, देन रिसीवर, देन उसका इफेक्ट आएगा. यहाँ इस पॉइंट थर्ड ऑप्शन में गलती ही ये थी, पहले रिसीवर आ गया है, देन मैसेज है, मैसेज के बाद रिसीवर आएगा, बिकॉज रिसीवर विल रिसीव दैट मैसेज.
So the correct answer is communicator, message, medium, receiver and effect. Now the third question is, what should be the center of the classroom communication? Classroom communication jo hota hai, uska center kya hona chahiye? First of all, let me tell you these things that two things are very important from your communication point of view. Communication se do cheezon mein questions zarur aate hain. First one is effective communication, jo first question tha. Second one is classroom communication, which is also very important for you to study for UGC NET NET exam. So these two topics are very important. So the third topic is classroom communication से कि classroom communication का जब communication class में होता है तो उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसको center में रखा जाता है जिसके according चीज़ें करी जाती हैं जिसके according हर चीज़ करी जाती है to make it more effective. So let's see, options are subjective, subject, student, teacher, enjoyment. तो चारों options अगर देखे जाएं तो पहला है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज समवेयर इम्पॉर्टेंट, देन कम स्टूडेंट, देन टीचर एन्जॉयमेंट. सो इफ वी सी दीज ऑप्शंस, व्हाट वी सी इज दैट स्टूडेंट इज द मोस्ट सेंट्रिक थिंग. बिकॉज जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, टीचर की बात करें, एन्जॉयमेंट की बात करें, दे ऑल कम, दे ऑल वर्क फॉर वन थिंग, दैट इज स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट को ही कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टूडेंट को ही कुछ अंडरस्टैंडिंग फील नहीं हो रही है, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ सब्जेक्ट और हैविंग बुक्स और हैविंग अ टीचर और हैविंग एन्जॉयमेंट. तो दैट्स वाई स्टूडेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट्स द सेंटर ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, वट इज द नेम यूज फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क? सो दीज आर द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वी हैव. एंड कम्युनिकेशन में मेथड्स, उनके टाइप्स पढ़ना ज़रूरी है. लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है. सो यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स ऑल्सो वेरी केयरफुली. सो यहाँ क्वेश्चन आया है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और क्या बोला जाता है? वट इज़ द अदर नेम, वट इज़ द नेम यूज फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क? सो इफ यू सी द ऑप्शंस, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, grapevine communication, mass communication, institutional communication. See, always remember this thing, you have to learn these points very carefully, that हमेशा हर मोस्टली कम्युनिकेशन में हर एक कम्युनिकेशन के दो नाम ज़रूर हैं. लाइक डायडिक कम्युनिकेशन इज़ फॉर इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मल्टी डायडिक कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो देयर. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, दैट हर कम्युनिकेशन का जो दूसरा नाम है उसको इनफॉर्मली क्या बोला जाता है, उसका जो दूसरा नाम है वो ज़रूर याद करें. सो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको हम grapevine कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ जो आंसर होगा दैट इज़ grapevine कम्युनिकेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो. कम्युनिकेशन के टाइप्स भी बढ़ के जाने. तो अब तक हमने तीन चीज़ें देख ली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनकोडिंग. एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जी सी एंड टी नेट एग्जाम. हर दो साल में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वेदर दे आस्क यू अबाउट डेफिनेशन ऑफ एनकोडिंग और डिकोडिंग, और दे मे आस्क यू देयर फंक्शन और समथिंग एल्स. सो यू हैव टू स्टडी दीज टू थिंग्स वेरी केयरफुली. नाउ द क्वेश्चन इज कि एनकोडिंग को लेके करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एनकोडिंग को लेके जो जितने भी उसको बोला जाता है, उसकी डेफिनेशन है, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा मैच करती है? तो देखते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द कोड इनटू अ मैसेज. क्या ये एक प्रोसेस है जो ट्रांसलेट करता है कोड को मैसेज में? सेकेंड इज, इट इज़ अ वे टू कन्वे फीडबैक. ये एक तरीका है जिससे फीडबैक को कन्वे किया जाता है. थर्ड इज, इट इज़ अ वे टू स्पीक टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ये एक तरीका है जिससे लार्ज नंबर ऑफ लोगों से बात की जाती है. फोर्थ इज, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू अ कोड. देखिए, पहले तो ये अगर आपको जानना है एनकोडिंग डिकोडिंग का कि ये क्या सही आंसर होगा, यू हैव टू लर्न द चार्ट. व्हाट चार्ट? द कम्युनिकेशन चार्ट प्रॉपरली. सो फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू वन थिंग, जिससे ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा. तो पहले हमेशा कम्युनिकेटर आएगा, दैट इज हमारे सेंडर आएगा पहले, उसके बाद आता है एनकोडिंग, देन आता है मैसेज, मीडियम, चैनल,
देन कम्स डिकोडिंग, देन कम्स रिसीवर, दैट इज जो मैसेज को रिसीव करता है. अभी प्रोसेस कैसे दिख रहा है? कम्युनिकेटर, सेंडर जो है, सेंडर या फिर कम्युनिकेटर, ये मैसेज बोलेंगे, ये एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे, एनकोडिंग, फिर ये मैसेज जो है कोड में जाएगा. तो ये मैसेज जाएगा कोड में, फिर ये डिकोड होगा, ये कोड को फिर से मैसेज बना के रिसीवर के पास पहुंचाएगा. तो अगर आप देखें यहाँ पर इसके थ्रू कि कौन सी सही जा रही है डेफिनेशन, तो ये जाती है फोर्थ वन. दैट इज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द मैसेज इन टू अ कोड. मैसेज किसका? कम्युनिकेटर का. कोड में किया गया, दैट इज एनकोडिंग में. तो ये आपको समझना पड़ेगा. अगर आपने कम्युनिकेशन का चार्ट ढंग से पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ये पता करने में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीज थिंग्स. बिकॉज कम्युनिकेटर जो है उसके बाद एनकोडिंग, उसके मैसेज को कोड में डाला जाएगा, फिर मैसेज मीडियम चैनल के थ्रू डिकोड होगा, डिकोडिंग के बाद वो रिसीवर के पास जाएगा. तो दिस इज द चार्ट बेसिकली. अगर ये चार्ट याद है तो ये पढ़ना बहुत इजी हो जाता है. सो दिस वाज अवर फिफ्थ मॉक टेस्ट पेपर जिसमें हमने कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. एंड टुमारो वी विल बी सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड. एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मोर मॉक टेस्ट पेपर्स, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. And also to know about the courses and exams, इनको लेके कोई भी क्वेरी हो, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा एंड आपके स्क्रीन के राइट साइड में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.